नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। दोस्तों, आयुर्वेद में चने की दाल और चने को शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक बताया गया है। चने के सेवन से कई रोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन, नमी, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम और विटामिन पाए जाते हैं। चना शरीर को बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाता है, साथ ही ये दिमाग को तेज और चेहरे को सुंदर बनाता है। तो दोस्तों, आज के इस पैकेज में हम आपको यही बताएंगे कि चने खाने के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। शरीर को सबसे ज्यादा पोषण काले चने से मिलता है। काले चने अंकुरित होने चाहिए क्योंकि उन अंकुरित चनों में सारे विटामिन और क्लोरोफिल के साथ फॉस्फोरस आदि मिनरल्स होते हैं, जिन्हें खाने से शरीर को कोई बीमारी नहीं लगती। काले चनों को रात भर भिगोकर रख लें और हर दिन सुबह दो मुट्ठी खाएं। कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा। रात भर भीगे हुए चनों से पानी को अलग करके उसमें अदरक, जीरा और नमक को मिक्स कर खाने से कब्ज और पेट दर्द से राहत मिलती है। शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए अंकुरित चनों में नींबू, अदरक के टुकड़े, हल्का नमक और काली मिर्च डालकर सुबह नाश्ते में खाएं। आपको पूरे दिन एनर्जी फील होती रहेगी। पथरी की समस्या होना आम बात है, ऐसे में रात भर भिगोए चनों में थोड़ा शहद मिलाकर रोज खाएं। नियमित रूप से इन चनों का सेवन करने से पथरी आसानी से निकल जाती है। इसके अलावा आप आटे और चने का सत्तू भी मिलाकर रोटी बना सकते हैं। चना शरीर के अंदर की गंदगी को अच्छे से साफ करता है, जिससे डायबिटीज, अनीमिया आदि की परेशानियां दूर होती हैं। चना ताकतवर होता है, ये शरीर में ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को कम करता है और डायबिटीज के मरीजों को फायदा देता है। यूरिन से संबंधित किसी भी रोग में भुने हुए चने का सेवन करना चाहिए, इससे बार बार पेशाब आने की दिक्कत दूर होती है। भुने हुए चनों में गुड़ मिलाकर खाने से यूरिन की किसी भी तरह की समस्या में राहत मिलती है। पीलिया की बीमारी में चने की 100 ग्राम दाल में 2 ग्लास पानी डालकर अच्छे से चनों को कुछ घंटों के लिए भिगो लें और फिर बाद में दाल से पानी को अलग कर लें। अब उस दाल में 100 ग्राम गुड़ मिलाकर 4 से 5 दिन तक रोगी को देते रहें। पीलिया में लाभ जरूर मिलेगा। पीलिया रोग में रोगी को चने की दाल का सेवन जरूर करना चाहिए, ये बहुत फायदेमंद रहता है। कुष्ठ रोग से ग्रसित इंसान यदि 3 साल तक अंकुरित चने खाए तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। नियमित रूप से यदि आप अंकुरित चनों का सेवन करते हैं तो आपके ऊपर बुढ़ापा बहुत ही देर में आएगा। अंकुरित चनों में इंसान को ताकत देने की शक्ति होती है, जिससे इंसान बूढ़ा नहीं होता है और वो चुस्त दुरुस्त रहता है। लेकिन ध्यान रखें कि जिन लोगों को एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें अंकुरित चनों का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं चने के आटे का नियमित रूप से सेवन करने से थोड़े ही दिनों में खाज, खुजली और दांत जैसी त्वचा से संबंधित रोगों को ठीक किया जा सकता है। लंबे समय से चल रही कफ की परेशानी में भुने हुए चनों को रात में सोते समय अच्छे से चबा चबा कर खाएं और इसके बाद दूध पी लीजिए। ये कफ और सांस की नली से संबंधित रोगों को ठीक कर देता है। अपने चेहरे की चमक के लिए भी आप चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे की रंगत को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से अंकुरित चनों का सेवन करें। साथ ही आप चने का फेस पैक भी घर पर ही बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चने के आटे में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा मुलायम होती है। महिलाओं को हफ्ते में कम से कम एक बार चना और गुड़ जरूर खाना चाहिए। रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ भुने हुए चने खाने से सांस की नली और कफ से संबंधित रोग ठीक होते हैं। शहद को चने में मिलाकर पीने से नपुंसकता खत्म होती है। साथ ही चना खाने से खून साफ और त्वचा की रंगत में सुधार आता है। अगर आपको सर्दी और जुखाम की शिकायत है तो आप रुमाल और कपड़े में गर्म चने भूनकर सूंघ लें, इससे आपको बहुत जल्द राहत मिलेगी। सुबह के व्यायाम के बाद यदि आप भीगे हुए चने खाते हैं तो इससे आपकी सेहत हमेशा स्वस्थ रहेगी। चना सेहत और सौंदर्य को बढ़ाता है, इसलिए जो लोग नियमित रूप से अंकुरित चने को खाते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, साथ ही साथ उनकी त्वचा के रंग में भी निखार आता है। तो दोस्तों, देखा आपने चना खाने के कितने सारे फायदे हैं। तो चने को अपनी डाइट में रोजाना जरूर शामिल करें। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर जरूर करें।